हरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांस के बारे में। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में बम्बू के नाम से जाना जाता है। बांस हर किसी ने देखा होगा, नहीं तो उसका नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि बांस को खाया भी जाता है। जी हाँ, आप जो लंबे लंबे कठोर बांस देखते हैं, उन बांस के अनगिनत औषधीय गुण हैं जिनसे कई लोग अनजान हैं। शायद आप सोच रहे होंगे इतने सख्त बांस का इस्तेमाल स्वस्थ रहने के लिए कैसे किया जा सकता है। असल में बांस का सख्त भाग नहीं बल्कि इसकी कोपलों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह कैसे फायदेमंद होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो में बताऊंगी। इसका पौधा बहुत कोमल होता है। इससे निकलने वाली कलियां और कोपलों को खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इन बांस की कोपलों को इंग्लिश में बम्बू सूट्स कहा जाता है। यह कई सारे औषधीय गुणों के साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसी वजह से आयुर्वेद में कई तरह के लिए उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। बम्बू को एशियाई देशों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद फेनोलिक कंपाउंड के कारण यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गतिविधि दिखाता है। इसके अलावा बांस की कोपलों में एंटी एजिंग प्रभाव भी होता है। इन सभी गतिविधियों और प्रभाव के कारण इससे शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। बांस में मौजूद घुलनशील डाइट्री फाइबर मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। फाइबर शरीर में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन और शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकता है। पीरियड्स की समस्या से हर महिला को जूझना पड़ता है। किसी का पीरियड्स इरेगुलर होता है तो किसी को हद से ज्यादा दर्द होता है। बताया जाता है कि बांस की कोपले पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा बांस की कोपलों में मौजूद एनाल्जेसिक प्रभाव से पीरियड्स के दर्द को कम किया जा सकता है। बांस सीधे तौर पर त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। हाँ, बांस से बने विनेगर यानी सिरका त्वचा स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि बम्बू विनेगर त्वचा की बाहरी परत को बेहतर करने और त्वचा संबंधी रोगों से दूर करने में मदद कर सकता है। बांस में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अल्सर गुण होते हैं। ये दोनों ही प्रभाव पेट के अल्सर से बचाव करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं या फिर बांस की कोपलों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। एरिसिपेलस एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जिसमें त्वचा की बाहरी परत प्रभावित होती है। इसके कारण चेहरे पर लाल रंग के चकत्ते और सूजन होती है। इस संक्रमण को एंटीबायोटिक्स की मदद से कम किया जा सकता है। यह गुण बांस की पत्तियों में मौजूद होता है। इसी वजह से माना जाता है कि बांस की पत्तियों के पेस्ट को त्वचा पर लगाने से इस स्किन इन्फेक्शन के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पाइल्स की समस्या को दूर करने में बांस का सेवन फायदेमंद हो सकता है। दरअसल इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो बवासीर की समस्या से कुछ हद तक राहत दिला सकता है। इसी वजह से बांस को पाइल्स का घरेलू इलाज माना जाता है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक सांस संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए बांस की कोपलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस की कोपलों का काढ़ा बनाकर शहद के साथ पीने से श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। दरअसल इन्फ्लेमेशन की वजह से कई श्वसन संबंधी परेशानियां होती हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि बांस की कोपलों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव इन्फ्लेमेशन को कम करके सांस संबंधी समस्याओं को दूर कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हम आशा करते हैं कि बांस की कोपल से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।